तुम्हारे लालन पालन की जिम्मेदारी मेरी है। जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा ध्यान रखना मेरा प्रथम कर्तव्य है, तो फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम मेरे गोद लिए हुए बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। और तुम्हें पता है जितनी परवाह एक माँ को होती है अपने बच्चे की, एक पिता को होती है अपने बच्चे की, उतनी ही परवाह, उतनी ही फिक्र, उतनी ही तकलीफ मुझे भी होती है। मैं भी तुम्हारी उतनी ही परवाह करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की खुशी होती है, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के खाने पीने से लेकर उठने बैठने से लेकर कपड़ों से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखती है, उसी तरीके से मैं भी अपने बच्चे का हर तरीके से ध्यान रखना चाहता हूँ, रखता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। और एक बात तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे ये मत सोचना कि तुम अगर कोई गलती करोगे तो मैं तुमसे नाराज़ होकर और तुमसे मुंह मोड़ लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमसे कभी कोई गलती होती भी है तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें उस गलती से आगाह करवाऊँगा, मैं तुम्हें वो गलती बताऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम कहाँ पर गलत हो और तुम्हें किस तरीके से अपनी गलती को सुधारना है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं तुमसे मुंह मोड़ लूँगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने ना कभी तुमसे मुंह मोड़ा है, ना मोड़ूंगा, और ना ही आज तुमसे अलग हूँ। मैं तुमसे जुदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारे पास पास, तुम्हारे आस पास मैं हमेशा होता हूँ। उस हर कदम पर होता हूँ, उस हर पल में होता हूँ जिस पल में तुम होते हो। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा तकिया बनता हूँ, तुम जागते हो तो तुम्हारी आँखों की पहली रोशनी बनता हूँ, जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे गले का पहला निवाला बनता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे जुदा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुमसे ना तो मैं कभी अलग था और ना ही मैं कभी रहूँगा। मैं तुम्हारे जीवन का एक अंश हूँ। जिस तरीके से तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, उसी तरीके से मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक क्षण हूँ। तुमसे अलग नहीं हूँ, तुमसे जुदा नहीं हूँ और तुम्हारे से कभी नाराज़ भी नहीं हूँ। कभी अगर ऐसा लगे तुम्हें कि तुम अपने बाबा से दूर हो रहे हो तो मेरे पास आके मुझसे कह देना, मैं तुम्हें तभी एहसास कराऊँगा कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम्हारे आस पास हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें ये एहसास हो कि तुम अपने बाबा को देख नहीं पा रहे हो, मुझसे पूछ लेना, मुझे बोल देना, मैं वहीं पर तुम्हें दर्शन देने के लिए आ जाऊँगा। और ये तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारे साथ ये एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है कि जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारी उस परेशानी में तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं ही होता हूँ। इसलिए परेशान मत हो, उदास मत हो, तुम अकेले नहीं हो, ना ही कभी थे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।